सामने आप चर्च देख सकते हैं। और हम उनके दोस्त हैं उस्मानी भाई। शहर के बीचों बीच इन लोगों ने चीड़ के पेड़ को भी लगाया है। प्रॉमिस वाले ताले जैसे मूवीज में आप लोग देखते हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों 8 जून का ही दिन है, गर्मी आज थोड़ी सी है, ठंडी सी कम लग रही है थोड़ी, और सुबह के लगभग 9 बजे का समय है। मैं हूं अभी आयरलैंड के खूबसूरत से शहर लिवरपूल में, नॉर्थ आयरलैंड में ये जगह पड़ती है। तो अगले कुछ दिन तक मैं आयरलैंड में रहूँगा, मैं आपको यहाँ की सैर कराऊँगा, स्पेशली यहाँ का जो एक मेन शहर है जिसको हम कोव के नाम से भी जानते हैं। आपने सुना होगा टाइटेनिक का लास्ट पोर्ट ऑफ कॉल जो था, यानी कि जहाँ से निकलने के बाद टाइटेनिक डूब चुका था, वो सिटी में भी हम जाएंगे। और लिवरपूल भी काफ़ी खूबसूरत शहर है, तो बने रहिए वीडियो में, मैं आपको दर्शन कराता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये सिटी है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, और स्पेशली लिवरपूल में यहाँ का जो फुटबॉल क्लब है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, फुटबॉल फील्ड भी यहाँ पर है। ये सामने आप चर्च देख सकते हैं, और ये कई सारे होटल, और रोड यहाँ की देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। तो गाइस हम लोग शहर में निकल चुके हैं, पैदल हम लोग जा रहे हैं, और काफ़ी खूबसूरत सा शहर है। ठंडी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि गर्मी में जून के महीने में जिस तरीके से हमारे यहाँ मौसम रहता है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट यहाँ पर मौसम है। उस्मानी भाई बताएँगे। यूके यूनाइटेड किंगडम में ही आता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑलवेज हमेशा ठंडी रहती है यहाँ पर, जैसा कि आज भी ठंडी है, धूप निकली हुई है लेकिन फिर भी ठंडी है। तो हम निकल चुके हैं, पहली बार आया हमारा शिप यहाँ पे, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है घूमने के लिए, और निकल पड़े सिटी में। आप देख सकते हैं सिटी की बिल्डिंग्स, और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, पीछे काफी ज्यादा सफाई है, पीछे भी देख सकते हैं, आगे देख सकते हैं। हमारे होस्ट हैं चंदन भाई, और हम उनके दोस्त हैं उस्मानी भाई। तो लेट्स गो गाइस, वी जस्ट एक्सप्लोर दिस सिटी। यो यो, तो गाइज आप देख सकते हैं शहर के बीचों बीच इन लोगों ने चीड़ के पेड़ को भी लगाया है। एकदम से आप गौर से देख सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जो हमारे यहाँ चीड़ के पेड़ होते हैं उनमें और इनमें। एक पेड़ यहाँ पे भी लगाया है, कई सारे पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ इन्होंने चीड़ के बीच में, शहर के बीच में लगाए हैं। ये सब इनका ये पेड़ लगाने का मेन मकसद है यहाँ पे जो पॉल्यूशन है उसका लेवल कम करना। तो गाइस आप देख सकते हैं शहर को सजाने के लिए कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ा है, कितने खूबसूरत से फूल लगाए हैं, जगह जगह पेड़ लगाए हैं, लाइटिंग बड़ी अच्छी है, रात में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कई सारे ताले यहाँ पे लगे हुए हैं, सब प्रॉमिस वाले ताले जैसे मूवीज़ में आप लोग देखते होंगे कई बार, उस टाइप के ताले यहाँ पर लगाए गए हैं, और ये बहुत लंबे एरिया में लगाए हैं, ये नदी के, ये तालाब के पूरे चारों ओर ये ताले लगाए गए हैं। कैसा लग रहा है यार? मस्त, मजा आ रही है, एंजॉय। सब जगह टावर ही टावर, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है,
हमारे इधर इंडिया में जैसे रेड एफएम रेडियो मिर्ची रहता है वैसा यहाँ पे देखो टावर बना हुआ है रेडियो सिटी 96.7 एफएम। दोस्तों मेरे सामने जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हो ये लिवरपूल म्यूजियम है, बहुत ही माना जाना यहाँ का। चलते हैं म्यूजियम के अंदर, देखते हैं यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये मेट्रोइड्स और एस्टेरॉइड्स जो भी अभी तक पृथ्वी में गिरे हुए हैं ये सारे यहाँ पे रखे हैं। कौन से पत्थर कहाँ मिले हैं वो भी लोकेशंस के साथ यहाँ पे इन लोगों ने रखे हुए हैं। यूएसए, नामीबिया, चिली और बहुत सारे कंट्रीज़ के नाम हैं जितने भी मेट्रोइड्स यहाँ पे आए हुए हैं। मेट्रोइड्स का मतलब आपको तो पता ही होगा। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं मून रॉक्स एंड मून सॉइल 6 सैंपल व 6 सैंपल यहाँ पे कलेक्ट किए थे इन लोगों ने अपोलो मिशन के दौरान। तो सैंपल यहाँ पे रखे हैं इन लोगों ने, ये देख सकते हैं आप मून रॉक्स मून सॉयल के जो भी सैंपल है 6 सैंपल उन लोगों ने ला के यहाँ पे रखे हैं और काफ़ी सिक्योरिटी के साथ रखा है। यहाँ पे आप किसी भी तरीके से अंदर जा नहीं सकते, एकदम हाई वोल्टेज और अलार्म के साथ यहाँ पे रखा है इन लोगों ने। आप देख सकते हैं घड़ियों का उसका जब स्टार्टिंग में हुआ था तो यहाँ पे सारी घड़ियाँ यहाँ पे रखी हैं जो कौन से बंदे ने कौन सी घड़ी बनाई थी और स्टार्टिंग में जब घड़ियों का प्रचलन था और समय देखने के लिए समय का मेजरमेंट करने के लिए इन लोगों ने एक से एक नई नई टेक्नोलॉजी से अपनी टेक्नोलॉजी से उस टाइम पे घड़ियां बनाई थी। वो सारे सैंपल सारे मॉडल यहां पे रखे हैं आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग अभी भी म्यूजियम के अंदर हैं, ये काफ़ी खूबसूरत म्यूजियम मेरे को लगा, स्पेशली स्पेस के बारे में, घड़ियों के बारे में, एस्टेरॉइड्स मेट्रोइड्स के बारे में और मून रॉक्स के बारे में जो मैंने आपको बताया था काफ़ी अच्छे से यहाँ पर दिखाया और बहुत ही सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर रखा है इन लोगों ने। बहुत ही वाकई में देखने लायक ये चीज़ें थी और देखते हैं अगले फ्लोर में और भी चीज़ें हैं। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 पाउंड का यहाँ पे टिकट था। सिटी वॉक हम कर रहे थे लिवरपूल में तो घूमते घूमते यहाँ तक पहुँच गए और अच्छा लग रहा है। और भी अगर कोई चीज़ें होती हैं मैं आपको दिखाता हूँ, बने रहिए वीडियो में। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं अगले सेक्शन में जहाँ पे पूरा डायनासोर्स के बारे में दिखाए हैं। डायनासोर्स के जो सैंपल्स काफ़ी पुराने सैंपल्स थे वो यहाँ पे रखे हुए हैं, कई सारे तो मॉडल डमीज हैं, कई सारे यहाँ पे असली उनकी हड्डियाँ या फिर उनकी जो चीज़ें मिली हुई थी वो चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर तो गैस ये था हमारा आज का टूर लिवरपूल में। वैसे घूमने के लिए तो बहुत सारी जगह हैं लेकिन इतना टाइम है नहीं यार हमारे पास, क्योंकि वापस हमें जाना पड़ेगा। 1 घंटा ऑलमोस्ट हमने म्यूजियम के अंदर बिताया था और बहुत काफ़ी अच्छा लगा था। वीडियो कैसी लगी बताना, क्योंकि ये छोटा सा वीडियो मैंने सिटी वॉक दिखाया था, म्यूजियम दिखाया था लिवरपूल का। अगला वीडियो हमारा रहेगा कोव में जहाँ पे टाइटैनिक स्पेशल लास्ट पोर्ट ऑफ कॉल टाइटैनिक का मैंने बताया था, तो उसके बारे में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा अगर वहाँ पे टाइम से पहुँच गए, म्यूजियम खुला रहा तो पक्का, नहीं तो तब तक के लिए इजाज़त दो, धन्यवाद। हमारे पहाड़ी यात्री को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।